हेलो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट होम। दिस इज़ विमलेश शर्मा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। आज हम कनक पाठ्य पुस्तक जो हमारी हिंदी व्याकरण है उसका पार्ट 9, 10, 11 व 22 का दौरान करेंगे। पार्ट 9 संज्ञा, पार्ट 10 लिंग और पार्ट 11 वचन और पार्ट 22 मुहावरे हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 9 संज्ञा का दौरान करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 68 ओपन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा की परिभाषा है कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं जो हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं, यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से 2 संज्ञा और मानी गई हैं, वो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो पहले हम इन 3 का दोहरान करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, हमें जानना होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु और स्थान का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेंगे। तुलसीदास जी जो एक महाकवि थे, इन्होंने रामचरितमानस लिखा, तो यह व्यक्ति विशेष हैं तुलसीदास जी। आपने नाम भी सुना है इनका, तुलसीदास जी। दूसरा है गंगा, जो एक पवित्र और धार्मिक नदी है। गंगा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, गंगा। हिमालय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा क्योंकि यह विशेष पर्वत का नाम है, तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद जानेंगे हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में कि जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती है। तो हमारा दूसरा जो संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होती हैं। इसके उदाहरण है जैसे पशु। पशु बहुत सारे होते हैं, अलग अलग पशु होते हैं, तो वह संपूर्ण जाति का बोध पशु के नाम से जाना जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा होगा। फल, फल के अंतर्गत बहुत सारे फल आते हैं, अलग अलग फल आते हैं, तो वो संपूर्ण जाति का बोध फल शब्द से हमें पता चलता है, फल संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। हमारा तीसरा उदाहरण है पक्षी। पक्षी के अंतर्गत बहुत सारे पक्षी आते हैं, तो वह संपूर्ण जाति का बोध हमें पक्षी शब्द कराता है। तो ये जाति का बोध कराने वाले जातिवाचक संज्ञा होती हैं। जो हमारी तीसरी है संज्ञा वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बारे में हमें जानना होगा। तो इसकी परिभाषा है कि किसी भी शब्द से किसी के भाव, गुण और अवस्था का हमें जब पता चलता है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं जैसे ऊंचाई, तो ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है। दूसरा इसका शब्द है मिठास, इसका दूसरा शब्द है हमारा मिठास। इसका तीसरा शब्द हम लिखेंगे अकेलापन, इसका जो तीसरा उदाहरण है अकेलापन। आपको ये बता दूं कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो विशेषण शब्दों से भी बनती हैं और क्रिया शब्दों से बनती है, अव्यय शब्दों से बनती है और सर्वनाम शब्दों से बनती है। जहाँ यहाँ पर हमारे पास प्रत्यय लगाकर भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, जैसे ऊंचा का ऊंचाई, यहाँ पर हमने आई प्रत्यय लगाया। मीठा का मिठास, हमने यहाँ पर आस प्रत्यय लगाया। अकेलापन, यहाँ पर पन लगाकर हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई। अब हम जानेंगे बच्चों कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो हमारी अगली जो संज्ञा है, संज्ञा का अगला भेद है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से हमें समूह और समुदाय का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके उदाहरण है जैसे कक्षा।
कक्षा में क्या होता है, विद्यार्थियों का समूह है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो कक्षा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसका दूसरा उदाहरण है परिवार, परिवार में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो वो हमें क्या करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है परिवार। और हम तीसरा इसका उदाहरण ले लेते हैं दल, तो ये भी हमें समूह का बोध करा रहा है, जैसे सेना है, तो ये सब हमें समूह का बोध करा रहे हैं। जो अगला हमारा संज्ञा का भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जानेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, वो शब्द पदार्थ और द्रव्य का बोध कराते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे घी, पानी, ये हमारे द्रव्य पदार्थ हैं, पानी, और धातु है जैसे सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा ये हमारी है, घी, पानी, सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो बच्चों हमने अभी संज्ञा के बारे में पढ़ा, इसका दोहरान किया। तो बच्चों आप अपनी हिंदी व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पेज नंबर 74 उसका प्रश्न नंबर 7 के यहाँ पर हम कुछ उदाहरण यहाँ पर दोहरान करेंगे। तो जैसे हिंसक है, ये शब्द है, इसका जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, हिंसा। हमारा दूसरा शब्द है गहरा, इसमें जब आई प्रत्यय लगाएंगे तो भाववाचक संज्ञा बनी गहराई। हमारा अगला शब्द है देव, उसमें हमने ता प्रत्यय लगाया तो बना देवता। तो मुझे आशा है कि आपको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम हमारा दूसरा जो पाठ है 10 जिसका नाम है लिंग, उसका दोहरान करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 75 ओपन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंग होते क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो बच्चों हम छोटी कक्षाओं से ही लिंग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं व्याकरण के अंतर्गत। तो शब्दों के जिस रूप से हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इनके कितने रूप हैं, दो। कौन कौन से हैं, वो हैं पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पहले हम जानेंगे कि पुल्लिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराएंगे वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, और जो स्त्री जाति का बोध कराएंगे वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के कुछ उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मोर। पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं जैसे मोर, अभिनेता, अभिनेता, ये हमारे शब्द जो हैं पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। हमारा जो अगला है शिष्य, ये हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं जिसको हम पुल्लिंग कहते हैं। अगर हम इनका जब स्त्रीलिंग बनाएंगे, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो शब्द है मोर से क्या बनेगा, मोरनी, तो ये स्त्री लिंग हो गया मोरनी। हमारा जो अगला शब्द है अभिनेता, जो पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहा है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसका स्त्री जाति होगा, स्त्रीलिंग होगा अभिनेत्री। क्या होगा इसका, स्त्रीलिंग अभिनेत्री। जो हमारा तीसरा जो शब्द है वो है शिष्य, जो पुल्लिंग का बोध करा रहा है इसका होगा शिष्या, स्त्रीलिंग क्या बनेगा इसका, शिष्या। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे अनाजों के नाम, पहाड़ों के नाम,
दिन के नाम, महीनों के नाम पुल्लिंग में ही होते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे भाषा के नाम हुए, लिपि के नाम हुए, नदी के नाम हैं, झीलों के नाम हैं, जो हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। कुछ भी बता देती हूँ कि जो शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं और नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, उन जैसे हमारा पुल्लिंग में शब्द आता है मच्छर, जो नित्य क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन इसका हम स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, ये हमें किस प्रकार बनाना है, तो हम यहाँ पर नर और मादा लिखकर हम उसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना सकते हैं। नर जो होता है वो पुल्लिंग शब्द है और जो मादा होता है वो स्त्रीलिंग है। जो नित्य पुल्लिंग है जैसे मच्छर, अगर मैं इसका स्त्रीलिंग बनाऊंगी तो इसमें मैं मादा मच्छर लिखकर उसका स्त्रीलिंग बना सकती हूँ। तो जब मैं इसका स्त्रीलिंग बनाऊंगी तो यहाँ पर लिख दूंगी मादा मच्छर। मच्छर तो लिखना ही है, पर मुझे स्त्रीलिंग बनाते समय उसके आगे क्या लिखना है, मादा मच्छर। इसी तरह से जो मक्खी है वो नित्य क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। स्त्रीलिंग में सदा नित्य जो होती है वो स्त्रीलिंग, जैसे मक्खी शब्द है, अगर मुझे इसका पुल्लिंग बनाना होगा जैसे मक्खी, अब मक्खी स्त्रीलिंग है, अब इसका मुझे पुल्लिंग बनाना है तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगी, नर लगा दूंगी, नर मक्खी, तो इसका वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, यानी पुरुष जाति हो जाएगी मक्खी। तो बच्चों इसी तरह से हमने यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग के बारे में दोहरान किया। तो बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 82 ओपन करेंगे, उसमें हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है उसका एक उदाहरण हम यहाँ पर दोहरान के रूप में कर लेते हैं। हमारा जो वाक्य है वो है भारत वीरों का देश है। तो यहाँ पर जो हमारा वीरों हैं वो शब्द है पुल्लिंग शब्द, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। अगर यहाँ पर हम स्त्रीलिंग में इसको परिवर्तन करते हैं तो हमारा वाक्य क्या होगा, भारत वीरों का देश है, भारत वीरांगनाओं का देश है, का देश है। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिंग के बारे में दोहरान किया, लिंग के बारे में जाना। अब हमारा जो अगला अध्याय है, जो अगला पाठ है वो है 11, जिसका नाम है वचन। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 83 ओपन करेंगे तो अब हम दोहरान करेंगे वचन का। तो सबसे पहले जानना होगा कि वचन क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। जिन शब्दों से हमें किसी भी शब्द के एक या अनेक होने का बोध होता है तो वो क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। और वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, वो हैं एक वचन और बहुवचन। तो इसके वचन दो प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, एक वचन और के हैं, और एक वचन और बहुवचन, कौन कौन से हैं, एक वचन और बहुवचन। जो एक वस्तु का बोध कराएगा वो क्या होगा, एक वचन होगा, और जो दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध कराता है वो हमारा बहुवचन कहलाता है। जिसकी संख्या दो या दो से अधिक होती है वो बहुवचन कहलाता है। अब हम इसके एक एक करके उदाहरण को जानेंगे कि इनके उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक वचन। तो एक वचन में ले लेते हैं हम यहाँ पर जैसे बतख, ये हमें एक वचन का बोध करा रहे हैं। दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं लड़की, दूसरा जो शब्द है हमारा यहाँ पर लड़की, जो एक वचन का बोध करा रहा है। हमारा जो तीसरा शब्द है वो है किताब,
ये हमें एक वचन का बोध करा रहे हैं। अगर हम इनका जब बहुवचन बनाएंगे तो इसके जो शब्द होंगे वो होंगे बतख से क्या बनेगा, बतखे। हम ख पर क्या लगा देंगे, एक ही मात्रा लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा बहुवचन बन जाएगा। हमारा जो दूसरा शब्द है लड़की, एक वचन है तो इसका बहुवचन बनाएंगे क्या बनेगा, लड़कियां। इया जब हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बहुवचन। यहाँ पर, यहाँ पे चंद्र बिंदी आएगी तो लड़की का क्या बना, लड़कियां। हमारा जो तीसरा शब्द है किताब, इसका बहुवचन होगा किताबें। इसका बहुवचन क्या हुआ, किताबें। तो बच्चों हमने ये जाना कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, इनका हमने दोहरान किया, यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिए। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक वचन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और बहुवचन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जो हमारे एक वचन होते हैं वो किसी भी समूह और धातु में जब प्रयोग किया जाता है तो हम एक वचन का प्रयोग करते हैं, और जो बहुवचन है वो जब हम किसी का सम्मान करते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और जब बड़प्पन की बात आती है, जो हमारे बड़प्पन जब हम दिखाते हैं तो वहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग होता है। और आंसू, बाल और जो हमारे हस्ताक्षर हैं, जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य में इनका प्रयोग होता है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज हमने, अभी हमने पाठ 11 वचन का दोहरान किया। तो बच्चों अब हम पाठ 22 मुहावरे का दोहरान करने जा रहे हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 150 ओपन करेंगे, आपके परीक्षा में मुहावरे 1 से लेकर 20 तक आएंगे। तो हम यहाँ पर कुछ मुहावरों का दोहरान कर लेते हैं। तो मुहावरे क्या होते हैं, पहले जानना होगा कि मुहावरों की परिभाषा क्या होती है। तो जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वही मुहावरे होते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला मुहावरा है कि आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ है बहुत शोर मचाना। आप कक्षा में बहुत शोर मचाते हैं यानी आसमान सिर पर उठा लेते हैं। जब भी हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य के अंतर्गत हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं, उसके अर्थ का प्रयोग नहीं करते। हमारा जो दूसरा मुहावरा है वो है आंखें दिखाना, इसका अर्थ है क्रोध करना। आपकी मम्मी आपको आंखें दिखाती है ना, यानी आप पर क्रोध करती है, इसका अर्थ है क्रोध करना। हमारा जो तीसरा मुहावरा है वो है आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मुहावरा है, इसका अर्थ है कपटी मित्र। तो बच्चों आज हमने पाठ 9, 10, 11 और 22 का दोहरान किया। मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी तरफ से दोहरान अवश्य करें। धन्यवाद।